अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ 4 से 5 साल की बेबी की फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी। ये फ्रॉक बहुत ही सिंपल है और इसे बनाना बहुत आसान है। मैं आप लोगों को बहुत आसान तरीके से बताऊंगी। और फ्रॉक बनाने के लिए मैं 2 मीटर प्लेन फैब्रिक ली थी। यहाँ पे देखिए, कपड़े को मैं पीसेस में कट करके रख ली हूँ और यहाँ से मैं 2 पीस ली हूँ। ये टॉप पार्ट है, इसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 15 इंच है। अब यहाँ सेंटर से हम इसे फोल्ड कर लेंगे। देखिए, यहाँ सेंटर से फोल्ड करने के बाद यहाँ से मैं शोल्डर के लिए 5.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और आर्मोल के लिए भी 5.5 इंच पे। यहाँ से चेस्ट के लिए मैं 7.5 इंच पे निशान लगाऊंगी और वेस्ट के लिए हम 6.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब ये निशान को हम ऊपर मिला लेंगे और यहाँ से मैं आर्मोल की गुलाई बना लूँगी। अब यहाँ से गले की चौड़ाई का माप हम लेंगे 2.5 इंच और बैक गले की लंबाई 2.5 इंच रखेंगे और फ्रंट गले की लंबाई 3.5 इंच रखेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं बैक और फ्रंट दोनों का निशान लगा ली हूँ गले का। अब यहाँ से हम 1/2 इंच पे निशान लगाएंगे, ये हमारी कंधी डाउन का निशान रहेगा। अब यहाँ नीचे से भी मैं 1/2 इंच पे निशान लगाऊंगी और हल्की सी हम गुलाई बना लेंगे। देखिए, सभी निशान लगाने के बाद अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। जब तक मैं यहाँ पे कटिंग करती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर से दबा दीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे देखिए, पेटी की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ से मैं ये बैक वाली पीस निकाल करके साइड में रख दूँगी और फिर से फ्रंट वाला हम फोल्ड करेंगे। एकदम बराबर में इसको हम फोल्ड कर लेंगे और इसके गले की हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे गले की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और हमारे टॉप पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आस्तीन के लिए 2 पीस लिए हैं और यहाँ पे इसकी लंबाई मैं 14 इंच रखी हूँ और इसकी चौड़ाई 12 इंच है। अब यहाँ सेंटर से हम इसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, फिर हल्की सी गोला हम बनाते हुए आस्तीन का शेप देख बना लेंगे हम। अब नीचे मोहरे के लिए हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे। ये निशान को हम ऊपर के निशान से हम मिला लेंगे। देखिए, सभी निशान लगाने के बाद हम आस्तीन की भी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पे देखिए, आस्तीन की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब ये नीचे के घेर के लिए मैं 2 पीस ली हूँ जिसकी लंबाई 11 इंच है और इसकी चौड़ाई 30 इंच है। और ये देखिए, फ्रिल के लिए मैं 3 पीस ली हूँ जिसकी लंबाई 6 इंच है और इसकी चौड़ाई जो है कि एक फ्रिल की चौड़ाई 41 इंच है और ये 3 फ्रिल मैं कट की हूँ और इसे हम आपस में ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ पे कटिंग कंप्लीट होने के बाद हम स्टिचिंग कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए, 1 पीस कपड़ा ली हूँ जिसकी लंबाई 8 इंच है और इसकी चौड़ाई भी 8 इंच है। अब यहाँ से हम कपड़े को सेंटर से फोल्ड करेंगे। यहाँ मैं 2.5 इंच पे निशान लगाई हूँ गले का, नीचे 3.5 इंच पे हम गले की निशान जो कि गले की गुलाई बना करके हम गले की कटिंग कर लेंगे। फिर यहाँ से देखिए, हल्के से हम गुलाई बना लेंगे नीचे की साइड। अब ये जो गुलाई का निशान हम लगाए हैं यहाँ पे भी हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं सेंटर से इसे देखिए, सेंटर में हम ये लेस लगाएंगे। यहाँ पे ये लेस मैं लगा ली हूँ। अब यहाँ से देखिए, मैं फ्रिल बनाऊँगी। 3 इंच लंबी है और इसकी चौड़ाई जो है कि 60 इंच के करीब है। अब इसे हम यहाँ से फोल्ड कर लेंगे बारीक बारीक सा। कपड़े को फोल्ड करते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे।
देखिए यहाँ पे फोल्ड करके मैं सिलाई लगा ली हूँ। अभी हम मशीन से ही हम बारीक बारीक सा चुन बना लेंगे। यहाँ पे देखिए मैं मशीन से ही चुन बना ली हूँ। अब यहाँ से हम कपड़े के ऊपर रख करके इसे हम सिलाई लगा लेंगे। जो हम गला बना करके रखे थे, डिज़ाइन पैच हम बनाए थे, उसी के ऊपर हम इसे ज्वाइंट करेंगे। हम यहाँ पे चुन को बराबर करते हुए सिलाई लगाएंगे। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा थोड़ा सा हम इसे यहाँ पे कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। देखिए यहाँ पे हम मैं फ्रिल लगा करके भी रेडी कर ली हूँ। अब ये पेटी वाला हिस्सा लेंगे, इसके ऊपर ये जो पैच हम बनाए हैं इसे उल्टा करके रखेंगे और पेटी वाला हिस्सा भी उल्टा रखेंगे। इसके ऊपर हम इसे रख करके सिलाई लगाएंगे। अब हल्का सा कट का निशान लगाने के बाद हम इसे आगे की साइड पलट लेंगे और यहाँ गले पे हम फिनिशिंग की सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे गले पे फिनिशिंग की सिलाई लगा ली हूँ। अब यहाँ पे लेस लेंगे, इसे हम जो फ्रिल बनाए हैं उसके ऊपर हम लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे लेस मैं लगा ली हूँ और एक और सिलाई लगा दी हूँ। यहाँ पे देखिए बैग वाले पीस में मैं बटन पट्टी पहले बना ली थी, अब यहाँ पे ये गले की पट्टी कट करके रखी हूँ। इसे हम लगा के सिलाई लगा लेंगे और इसे पीछे की साइड पलटने के बाद इसे फोल्ड करके हम तुरपाई कर लेंगे। उससे पहले मैं यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट कर ले। देखिए अब मैं यहाँ पे शोल्डर ज्वाइंट करूँगी और शोल्डर ज्वाइंट करते बाद जो फ्रिल वाला हिस्सा है उसे हम अलग कर लेंगे साइड में, उसको हम उससे शोल्डर में ज्वाइंट नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे शोल्डर में ज्वाइंट कर ली हूँ। अब यहाँ से ये मैं आस्तीन लगा लूंगी और यहाँ पे मैं 3 से 4 बारीक बारीक सब प्लेट्स बना ली हूँ आस्तीन में। यहाँ पे आस्तीन में लगा ली हूँ। अब ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी आस्तीन लगा लूंगी। यहाँ पे देखिए दोनों साइड आस्तीन लगा ली हूँ। अब यहाँ से घेर वाला हिस्सा लें, इसे मैं मशीन से बारीक बारीक सा चुन बना लूँगी। यहाँ पे देखिए मैं चुन दोनों में बना ली हूँ। अब इसे हम पेटी में ज्वाइंट कर लेंगे। यहाँ पे घेर को मैं पेटी में ज्वाइंट कर ली हूँ। अब नीचे ये फ्रिल वाला जो फ्रिल मैं कट करके रखी थी फ्रिल ली हूँ। यहाँ पे ये लेस ली हूँ और ये लेस मैं पूरी 3 मीटर इस्तेमाल की हूँ। यहाँ पे इसे लेस को फ्रिल को एक साथ रखते हुए हम मशीन से बारीक बारीक सा चुन बनाएंगे। यहाँ पे देखिए मैं चुन बना ली हूँ फ्रिल में भी दोनों। अब इसे हम ये जो घेर हम पहले लगा के रखे थे उसके ऊपर हम इसे रख करके सिलाई लगा लेंगे। देखिए यहाँ पे मैं फ्रिल भी लगा ली, दोनों साइड लगा ली थी। अब यहाँ पे ये जो पेटी पे हम घेर ज्वाइन किए थे वहाँ पे जो ये मैं चौड़ी सी लेस लगाऊंगी। देखिए मैं यहाँ पे लेस लगा ली हूँ। अब यहाँ से हम फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे।
देखिए यहाँ पे फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ, ऐसे मैं दूसरी साइड भी लगा लूँगी। यहाँ पे देखिए दोनों साइड में फिटिंग की सिलाई लगा ली हूँ। अब मैं इसे आगे की साइड पलट लूँगी। देखिए आगे की साइड पलटने के बाद ये जो नीचे वाला हिस्सा, इसे हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए नीचे वाला हिस्सा भी फोल्ड कर ली हूँ। और ये प्रेस करने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा प्रेस करके हम इसकी सिलाई बैठा लें और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जो फ्रिल वाली लेस है ये भी मैं 3 मीटर यूज़ की थी, और जो नीचे लेस लगाई हूँ वो भी 3 मीटर थी। और ये पीछे मैं बेल्ट लगा ली हूँ। और यहाँ पे गले के देखिए मैं तुरपाई कर ली हूँ। तुरपाई करने के बाद यहाँ पे मैं हुक लगा ली हूँ। देखिए अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।